नमस्कार, मैं हूं बासी। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के 10 मार्च को होने वाले मतगणना को निष्पक्ष, पारदर्शी, सकुशल व शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने हेतु पुलिस लाइन्स महोबा प्रांगण में पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह द्वारा मतगणना ड्यूटी में लगे पुलिस बल व CAPF के अधिकारीगण को ब्रीफ किया गया। मतगणना स्थल व शहर के विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत भारी संख्या में अर्धसैनिक बल PSC पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे मतगणना को सकुशल संपन्न कराया जा सके। ब्रीफिंग के दौरान सभी अधिकारियों कर्मचारियों को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित अधिकारों कर्तव्यों के बारे में विस्तार से अवगत कराते हुए कहा कि सभी मतगणना स्थल स्ट्रांग रूम पर सतर्कता बरतते हुए कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्वों को निर्वहन करें, ताकि मतगणना को निष्पक्षता एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जा सके। मतगणना स्थल स्ट्रांग रूम पर पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना कर महत्वपूर्ण सूचनाओं का संकलन करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल अवगत करवाएं। मतगणना ड्यूटी एक अति महत्वपूर्ण ड्यूटी है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा सभी पुलिस बल के सीमा गरिमा बनाए रखते हुए पूर्ण सतर्कता बरतते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। साथ ही संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि मतगणना का परिणाम घोषित होने के उपरांत विजयी प्रत्याशियों द्वारा विजय जुलूस निकालने का प्रयत्न किया जा सकता है, जिससे अप्रिय घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है। क्षेत्राधिकारी थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में संवेदनशील स्थानों पर पिकेट गश्त की व्यवस्था सुनिश्चित कर किसी भी प्रकार का जुलूस आदि नहीं निकालने देंगे तथा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। ये दूसरी ड्यूटी आपकी भी इम्पोर्टेंट है इंस्पेक्टर कब रही, और जो दोनों हमारी विधानसभा हैं, जिसके महोबा के राजपत्रित अधिकारी हैं संतोष कुमार और उमेश हैं चरखारी के, चूंकि वहां पे आपको डायरेक्ट कमरे में अब ड्यूटी नहीं है, तो जो हमारे CAPF के भी हमारे कर्मचारी रहेंगे वो भी, और प्लस हमारे जो कर्मचारी रहेंगे वो भी हॉल के बाहर रहेंगे, परंतु उनका ये दायित्व, उसको रिजर्व मत समझिएगा, जो अभी बात हो रही थी कि आप रिजर्व में हैं, तो रिजर्व नहीं है आप।